गुलबर्गा शहर में जनाब यूनुस खान केटीएस की सदारत में आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर एक मशवरती इजलास मुनक्किद किया गया है। इस मशवरती इजलास में कांग्रेस, जेडीएस और दीगर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्शन के दावेदार मौजूद थे। तमाम लोगों के मशवरों से यूनुस खान केटीएस की सदारत में एक पॉलिटिकल फोरम तैयार करने का ऐलान किया गया है। यूनुस खान केटीएस ने कहा, ऐसे कई कांग्रेस वर्कर्स हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी में नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक बेहतर कैंडिडेट को टिकट नहीं दी जाएगी तो न्यू पॉलिटिकल फोरम तैयार कर फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ उस कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करने का भरोसा दिलाया गया है। अनकरीब 8 साल बाद गुलबर्गा में कॉरपोरेशन इलेक्शन होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में आप तमाम मौजूदा लोगों की बातें सुनकर इस इजलास का मकसद समझ सकते हैं कि जो अवामी खिदमत करते हैं आखिर वो लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आप लोग बेफिक्र रहिए, कोई भी पार्टी से इलेक्शन लड़ी है। खान साहब ने कहा कि फॉरम नहीं है, हम पॉलिटिकल फैसला लेंगे। अगर वो पॉलिटिकल फैसला लेते हैं तो लब्बैक कहते हैं, उनका साथ देंगे उनके आने वाले वक्त पर। तो मैं MIM से जनता दल से हूँ, मेरे खान साहब सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये बात गलत है, खान साहब हकीकी खिदमतगार का सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि ये खान साहब का इलेक्शन नहीं है, ये मिल्लत का कॉरपोरेशन में गुलबर्गा शहर को डेवलपमेंट करने का इलेक्शन है। क्योंकि हम अभी तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं, हमारी शिकायत कांग्रेस से ही रहेंगी, दूसरी पार्टी से नहीं रहेंगी। क्योंकि MP इलेक्शन हो या MLA हो, हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस को इख्तदार दिया है। जो आज खान साहब की खिदमत शहर गुलबर्गा में हर कोई जानता है, जो खान साहब अवामी ज़िंदगी में हो या समाज की ज़िंदगी में हो या बिजनेसमैन में हो, हमेशा अवाम से लगे हुए हैं। या चाहे गरीब रंग दे, चाहे किसी का बुरा वक्त दे, उसमें काम हमेशा खान साहब आ रहे हैं। ये हम बेहतर हम लोग जानते हैं और तकरीबन लोग जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस मिल्लत के जो मजबूत लोगों को नज़रअंदाज करने का काम करी है, खयासत को कमज़ोर करने का काम हमारे ही लीडर कर रहे हैं, जो शहर गुलबर्गा में बैठकर एक चंद मुफाद लोग अपने घर में बैठकर मीटिंग कर मिल्लत को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसको तोड़ना होगा खान साहब जैसे इंसान को। और तकरीबन यहाँ पर बैठे हैं जो कांग्रेस से नाराज होंगे, उनकी नाराजगी अगर जाती है तो हम उनका साथ नहीं देंगे। मिल्लत के लिए अगर नाराजगी है तो हम उनका साथ देंगे। क्योंकि खान साहब की नाराजगी कांग्रेस को लेकर और मुझको कांग्रेस को लेकर ये नाराजगी है, क्योंकि मिल्लत के मुफाद के लिए वोट लेते हैं लेकिन मिल्लत से गद्दारी कर रहे हैं। शहर के पूरे जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि यूनुस खान साहब के कहने पे मुतहिद होकर एक जगह जमा हुए हैं। जमा होना हमारा मुतहिद होने का एक बहुत बड़ा मिसाल साबित हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस खान साहब का जो मकसद था कि भाई आप लोगों को बुला के जो कॉरपोरेशन इलेक्शन बहुत अपकमिंग जो जल्द आने वाला है, जो शहर में जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वाकई जो कौम का दर्द और जज्बा रखते हैं और जो लोग उनको चाहते हैं, उनको हम KTS यूनुस खान साहब अपने तरफ से जो हो सकता पॉसिबल आप लोगों के साथ है बोलकर बोलना और आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट होकर एक मीटिंग करना और शहर के जो एक्स कॉरपोरेटर हैं उनके जज्बे को, उनकी प्लानिंग को और आने वाले न्यू कमर्स कॉरपोरेटर्स को कोऑर्डिनेट कर एक अच्छा प्लान कर आने वाले इलेक्शन को फेस करना। और दूसरा मकसद ये है कि MIM कांग्रेस जनता दल ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है, एक कॉमन मीटिंग है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दूसरे कैंडिडेट्स पार्टी के भी हमारे पास से जुड़कर ये टीम में यूनुस खान साहब का हाथ बटाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान साहब का कहना है कि मैं उन लोगों के साथ भी हूँ। फर्दर हम सबके एक एक ओपिनियन भी लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक जिम्मेदार बनाकर बोल दिए बोलने में। आप लोगों के भी ओपिनियन लेना है कि आपके महीने में कौन सा बंदा बेस्ट है। आज हमारी शिद्दत करना नहीं है, तमर इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद गुलबर्गा शहर में सियासी माहौल टोटल खराब हो चुका है। हिंदू कर्नाटक के अंदर धर्म सिंह और खड़गे जैसे मजबूत लीडर रहने के बावजूद भी तमरुल इस्लाम ने उनको गुलबर्गा के अंदर टांग अड़ाने की इजाजत नहीं दी। तो मैं चाहता हूँ तमरुल इस्लाम के बाद यूनुस खान साहब को आगे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का होंगे। वो हमारा भाई है और मिल्लत के अंदर काम करेगा, चाहे MIM से होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, कांग्रेस से होंगे। यूनुस खान साहब को आगे आकर उसका सपोर्ट करना और यूनुस खान साहब की क़यादत में कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में लेना। एक जो काबिलियत जो सोशल वर्कर है, चाहे वो कांग्रेस हो, JDS हो, MIM हो, जो भी पार्टी का हो, उसके लिए यूनुस खान साहब जो मदद करना चाहते हैं वो मदद बिल्कुल हमारे लिए करेंगे। मीटिंग का मकसद ये है, मीटिंग का मकसद ये नहीं है अगर कोई पार्टी से अगर आपको टिकट दिया यूनुस खान साहब के
एक्टिविटीज में और है, तो यूनुस खान साहब जो मदद करना है उसको भी करेंगे, पार्टी वाले को भी जो पार्टी के बाहर है उनको भी करेंगे। तो आज आज की जो मीटिंग है ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है, इसको सही जहन से लेकर हर बात को अगर हम तवज्जो सुनेंगे तो आगे बात निकली क्या माहौल बनने वाला है आज की मीटिंग से। इलेक्शन से बहुत हमें भी देखें, लेकिन आज जो ये मीटिंग हो रही है इसमें जो है ना सभी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस से हैं, जेडीएस से हैं, एमआईएम से हैं, तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहने वाले तमाम लोग भी हैं, और तमाम ऐसे हजरात हमारे बीच मौजूद है। ये हमारे खुशकिस्मती है कि जो है ना ये तमाम लोग हमारे सपोर्ट में हैं आज। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है क्योंकि आज हमारे पास में जो है ना ये सियासी माहौल बन चुका है इस गुलबर्गा शहर में। कई लोग इसमें नाराज़ हैं और कई लोग जो है ना अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं सियासत में, तो ऐसे माहौल को सुधार किस तरीके से लाना चाहिए इसके लिए फोरम बनाया जा रहा है। ये फोरम बना कर जो है ना उन लोगों के सपोर्ट में किस तरीके से काम करना है, उनको क्या सपोर्ट होना है कि किस तरीके से जो है ना इसका प्लान बनेगा, ये जो है ना ये पूरे डिटेल्स अभी आपको थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। आपस में नाइन सर प्रदान मत कर लीजिए और जितना हो सके मुस्लिम क्यादत कांग्रेस पार्टी घोषित पार्टी रहेंगे, मुस्लिम क्यादत जो है ना कॉर्पोरेशन तक लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट अगर विन होंगे तो हमारा मेयर अगर रहेगा मुसलमान तो कुछ काम कर सकते, कुछ काम दे सकते। तो इतना आपकी नाराजगी जाहिर हो रही मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम सब हैं ये अल्लाह मैं बड़ों से सुना हूँ, बड़े बुजुर्गों के बयानों में सुना हूँ, अल्लाह एक रास्ता बंद करा दूसरा रास्ता बराबर खोलता है, समझे। और इतना हिम्मत खाने की जरूरत नहीं है, अब अच्छे लीडर हो, लीडर के लिए प्लेटफॉर्म खुला है, आप चलो पीछे हैं, समझे। हाँ अलबत्त यहाँ पे कोई भी बात करने के लिए आगे पीछे क्यों सोच रहे मालूम है, कोई कांग्रेस है, कोई जेडीएस है, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई और पार्टी से ताल्लुकात रखे हुए हैं। मैं इसलिए मैं फ्रीली हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं, हर पार्टी में मेरे दोस्त। आपका मकसद क्या है, आपको एक हमारे खान साहब को एक फेस करके आपको जो टिकट नहीं मिली हुई है कैंडिडेट इनके सपोर्ट में जीतना है आपको, ये बोलना है आपका क्वेश्चन। कैंडिडेट के सामने कैसा आप दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे, हम तो वहाँ भी ठहरने वाले हैं, यहाँ भी ठहरने वाले हैं, किसको करेंगे सामने बोलेंगे। मेरा अपनी तरफ से मशवरा ये है कि आप लोग जब तमाम मिल्लत के कौम के और आवाम में खिदमत करने वाले को कॉर्पोरेशन भेजना चाह रहे हैं तो ये मेरा मशवरा है आप तमाम लोगों से, चार पांच कॉर्पोरेटर्स हैं, यूनुस खान साहब हैं, ताहिर है, ताहिर भाई, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये मीटिंग कर हम सब जमा हुए, हमारा इत्तेहाद हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करने से बेहतर है कि आप चार पांच कॉर्पोरेटर्स ऐसे मिलकर एक कमेटी बनाकर तमाम ये 15-16 वार्ड में जो मिल्लत और कौम के लिए और आवाम के लिए जो खिदमत करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को चुनकर आप तमाम लोग उन कैंडिडेट्स का सपोर्ट करें और उन्हें कॉर्पोरेशन भेजें और उन्हें हौसला अफजाई उनकी करें कि आप आने वाले दिनों में जब तक उनकी उम्र है, जब तक वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, चाहे हार होती है जीत होती है, उसके बाद भी जो लोग आवामी खिदमत में हमेशा जमीनी सतह पर काम करते हैं, आप लोग एक टीम बनाकर वैसे लोगों को साथ दीजिए। पिछले कई सालों से मैं गुलबर्गा शहर में अपने कामों से काम कर रहा हूं, किसी प्लेटफॉर्म से या कोई पार्टी से अभी तक मैं काम किया हूं, मगर आने वाले दिनों में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाला है मैं उसमें वार्ड नंबर 14 से कॉन्टेस्ट करने का ख्वाहिशमंद हूं। आप तमाम लोगों से इस बात की ख्वाहिश करता हूं कि आप तमाम लोग मेरा साथ दीजिए और जो है ना मैं पहले भी काम कर रहा था, इंशाल्लाह आगे भी काम करूँगा। जितनी भी कमेटी बनेगी ये कमेटी के लिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए मेरे वार्ड में भी आकर देखकर कि जिस तरह से मैंने काम किया, आप लोग बखूबी जानते हैं, फिर भी अवाम से आकर राय मशवरा करके मेरा भी साथ दीजिए। इसी तरह से जो भी जो लोग ख्वाहिशमंद हैं और अवाम के लिए हकीकत में काम करते हैं उन लोगों का भी आप साथ दीजिए। पॉलिटिकल हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो आए हैं मेरे एक बात पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने और जो भी महिला वाले हैं, ये मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे पॉलिटिकल कैरियर को लेके सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पर आए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिलहाल मैं ये पूरा क्लियरेंस करता हूँ कि शुरू से सियासत कैसा चल रही। मैं फर्स्ट बैकग्राउंड काम करता था सियासत में, जो भी कॉरपोरेटर बनना चाहता तो उसको मैं फाइनेंशियली हेल्प किया हूँ, आज से नहीं कई 10-15 साल से कर रहा हूँ। मेरे कहने पे कई कॉरपोरेटर रिजाइन भी करे, उनके नाम मैं अभी बताना चाहता हूँ, तालुका लेवल पे भी और सिटी लेवल पर भी। जब तक खमरुल इस्लाम साहब थे, खमरुल इस्लाम साहब के साथ मैं खुल के
ऐसा सामने कभी काम करने नहीं आया। कमरुल इस्लाम के जो भी छोटे मोटे काम भी रहते थे तो बगैर कोई फाइनेंस लिए उनका काम अंजाम कर रहा हूँ। और उनसे कई बार कमरुल इस्लाम साहब ही उनके जो पांजे आदिल साहब है या कोई भी है उनसे बोले कि खान साहब आप इतना करे सो ये पैसे रखो। मैं कमरुल इस्लाम साहब को यही बोलता था साहब मेरे को ज़रूरतमंद नहीं, मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ पैसों का, जो ज़रूरतमंद है जो जिसको ज़रूरत है उनको दो, मेरे हाथ से जो ताकत है मैं वो आपके खिदमत में कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को आपका सपोर्ट है, पर्सनली तो घर को आके कोई उनको सपोर्ट नहीं दिए लेकिन उनके नाम पे हम सपोर्ट लिए से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैं एक खेड़े गाँव से शाहबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, शाहबाद में भी उनका नाम लेके हम एक वजन पैदा करते थे हर चीज़ में। कोई भी काम रहता कॉर्पोरेशन में लास्ट में बड़ा इशू होता था वहाँ पर जाने की एक हिम्मत रहती थी, वहाँ पर हम पहुँचते थे नहीं उससे पहले हमारा काम होता था वो लेके। फिर आने वाले MLA जो पिछला MLA इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन में कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल होने के बाद मैडम इलेक्शन नहीं लड़ता बोले थे, इलेक्शन नहीं लड़ता बोलने के बाद मैं दो बार उनके घर पर भी गया था, मैडम आगे का हमारे को रास्ता बताओ गुलबर्गा को ज़रूरत है एक लीडरशिप की मुस्लिम लीडरशिप की, तो क्या करेंगे बोले तो कोई भी जवाब नहीं दे, नहीं बोले। फरवरी के महीने में मैं जनता दल नासिर उस्ताद का साथ देना बेहतर समझा कि एक आदमी की ज़रूरत है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको। तो नासिर भाई का मैं ये इलेक्शन में खुल के साथ दूँ, तन मन धन से साथ दूँ और कोई ढगलापन नहीं क्यों, कोई बोले बाद में उसके बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब कांग्रेस में जब मेरे को लेके गए थे तो मैं एक ही कंडीशन में गया था कि भाई मैं मेरा काम लेके आपके पास कभी नहीं आऊँगा, मेरे पीछे जो चाहने वाले रहते हैं या मेरे साथी रहते हैं उनका काम लेके आऊँगा तो आप उनका काम करना, मेरा पर्सनल काम रहता हूँ मैं क्या भी करके मेरा काम कर लेता हूँ, मेरे पीछे वाले का काम करना बोले थे। तो कांग्रेस के MP इलेक्शन में एक बगैर कोई एक रुपया लिया कि पूरा शाहबाद के आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं संभालूँ और पोलिंग परसेंटेज भी 2% बढ़ा के दूँ कांग्रेस, ये हकीकत है शाहबाद के। और जितने भी प्रोग्राम करे जो भी अरेंजमेंट है कोई पैसा नहीं लिया मैं उसमें, तो लास्ट बोलने का कहना यह है कि पैसा नहीं लिया बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इतना जब हम कर रहे अभी एक भाई मेरा आया मेरा एक काम है भाई मेरे को एक टिकट की ज़रूरत है तो मैं उनको जाके बोला था कुछ भी असर नहीं हो रहा हमारा। तो आगे मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाला है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन से मेरे से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आप मेरे से फ़ायदा ले सकते हैं। आने वाले फ्यूचर इलेक्शन में मैं इंशाल्लाह लड़ने वाला पक्का हूँ, इंडिपेंडेंट जनता दल कांग्रेस में भी मेरी बात हो गई कि मेरे को 100 से टिकट दीजिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाऊँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट DCC प्रेसिडेंट क्यों बनाना, मैं बोला हमारा इन्वॉल्वमेंट अंदर होना ऑफिस में, बाहर हम आके फरारी दिया झंडे दिया जय वागली नहीं बोलते, इतने दिन बोले मेरी कैपेसिटी है मैं ऑफिस में बैरियर से मेरे को डिस्कशन में चाहिए, मैं खाली बाहर आके काम नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत है और मैं हो सके तो मैं दूसरे कैंडिडेट को भी संभालता हूँ बोल के भी बोलूँ ये भी बोलूँ मैं। तो यहाँ तक बात हो गई है, जनता दल में भी बात हो गई थी, CM इब्राहिम साहब के पास गया था मैं 4 दिन बेंगलोर में, वहाँ पर भी वही बोले कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देता हूँ देवगढ़ा सर और साउथ की टिकट आपको देता हूँ। कन्फ्यूजेशन ये क्या है बोले तो अब मैं जाके लेकर आ गया मैं आओ बोले तो नहीं होने वाला है, नहीं खान साहब आप पॉलिटिकल में अभी नहीं है, आप किसी का सपोर्ट करो उसके लिए भी तैयार हूँ आज भी, अगर नहीं आप आगे बढ़ो हम सब साथ देते बोले तो मैं एक पार्टी भी ज्वाइन करने में तैयार हूँ, नहीं आप फिलहाल कॉर्पोरेशन है मेरा इलेक्शन नहीं है अभी 2 साल है, 2 साल के बाद 2 साल है, आप फिलहाल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मेरे से जो मदद हो सकती मैं करने को तैयार हूँ, बाकी का आपका ओपिनियन क्या देना है दे सकते, ये मेरी सियासत का पूरा खुलासा करूँ, मैं नाराज़ हूँ पॉलिटिकल लीडरों से पार्टियों से, पैसा जाने के बाद भी हमारा काम